सिक्किम भारत के एक सुंदर सा राज्य है। यहाँ पर विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर रंग बिरंग का संस्कृति होते है। उसी संस्कृति की एक भाग सांसारिक पूजा। ये पूजा गांव के लोग इकट्ठा होकर करते हैं। ये पूजा गांव के अंतर्गत किसी उच्च स्थान पर होता है, जहाँ से सिक्किम के टिस्टा या रंगीत नदी दिखाई देता हो। परम्पर मान्ने गरिएको छ। जस्तै पानी नपर्दा हैन एउटा देवी देउरालीको शक्ति माग्नु हैन अन्त पूजा गर्नु, पूजा आजा गर्दाखेरि तपाईहरुले यो जुन मौसमले पनि यो संसारी पूजा चाहिँ सालमा एक वर्ष मनाइन्छ चैत महिनामा। जबकि पहिला डाक्टरहरु कम्पाउन्डरहरु केही थिएन, त्यसले गर्दाखेरि गाउँ बस्तीमा रुडी मार्गी केही नहोस् भनेर चाहिँ वर्षमा एकपल्ट मनाइन्छ। हाम्रो गाउँघरको हामीलाई यसमा चाहिँ किनभने जातिवादीको कुरा छैन, हामीलाई यो चाहिँ एउटा जस्तै हामीलाई समाजको सामाजिक मतलब छ। मुर्गाका बलि देकर गाउँमै किसी भी तरहका बिमारी ना हो और बारिश ठीक से हो। अब हामी सा संसार भनेपछि अब सब संसारका देवता मानिन्छ नि त, संसारी माईको साथको चाहिँ संसारलाई राम्रो होस्, संसारको जतन झगडा होस्, अकाल मृत्यु नहोस्, अब दिन दशा त टार्न सक्दैन नि कसैले। सिक्किममा विभिन्न तरहका समुदाय लोक रहते है। उनमें से नेपाली समुदायकै लोकके एक संस्कृति है, जे संसारिक पूजा महत्वपूर्ण माना जाता है। गाउँके लिए ये अच्छे फसल हो या बारूस, इसी तरह गाउँके अच्छे के लिए किया जाता है। मैं लविन राय सिक्किम से इंडिया अनहट के लिए।